नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। बेटे से हारे मुलायम, अखिलेश को मिली साइकिल। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी पर वर्चस्व और उसके चुनाव चिन्ह पर कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव खेमे के बीच चुनाव आयोग में चल रही दस्तावेजी जंग अखिलेश के पक्ष में गई है। चुनाव आयोग ने उन्हें पार्टी का नाम तथा उसके चुनाव चिन्ह साइकिल पर अधिकार दे दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नसीम जैदी के दस्तखत से सोमवार शाम जारी आदेश में आयोग ने कहा कि अखिलेश के नेतृत्व वाला खेमा ही समाजवादी पार्टी है और उसे ही पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह पाने का हक है। आदेश पर जैदी के अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के भी हस्ताक्षर है। आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार के बाद ये पाया कि अखिलेश खेमा ही असली समाजवादी पार्टी है और वो ही पार्टी के नाम तथा चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की हकदार है। इसके साथ ही पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच विगत 15 दिन से चल रहा विवाद समाप्त हो गया और आयोग ने अखिलेश को ही सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया है। आयोग के फैसले की जानकारी होते ही अखिलेश समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वे बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास कालिदास मार्ग पर जमा होने लगे। विक्रमादित्य मार्ग पर भी जहां के मुख्यमंत्री अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह अलग अलग बंगलों में रहते हैं, समर्थकों का तांता लग गया। मुख्यमंत्री के बंगले पर उनके एक उत्साही समर्थक ने कहा कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली, अब हम पूरी ताकत के साथ अखिलेश भैया को जिताने में रात दिन एक कर देंगे। आयोग के फैसले की जानकारी होने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश पिता का आशीर्वाद लेने मुलायम के बंगले पर भी गए। आयोग के फैसले के कुछ घंटे पहले ही अखिलेश खेमे ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए पिता मुलायम के नेम प्लेट के नीचे उनकी नेम प्लेट लगा दी थी। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब एटीएम से एक साथ निकाल सकेंगे 10,000 रुपए। नोटबंदी, आयकर विभाग ने 1,550 करोड़ के काले धन का लगाया पता। एक चीन नीति पर समझौता नहीं चीन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्राई, फेसबुक, व्हाट्सएप को नोटिस जारी किए। और अभिनेत्री गीता सेन का निधन।